हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी देख सकते हैं बैठी हूँ, खाना पीना बन गया है, बस खाना बाकी है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर अभी खाना पीना खाने के बाद और कुछ काम करना है, फिर निकलना है। तो चलो अब खा लेते हैं खाना। और बच्चे देखो कैसे गेम खेल रहे हैं, तो बच्चे गेम खेल रहे हैं और इनको भी अभी खाना दे दिए हैं, खा चुके हैं सब लोग, बस मैं ही बाकी हूँ। तो देखिए क्या बना है आज, मेथी की सब्जी और रोटी। तो अभी मैं ले लूँगी अचार, हम मुझे अचार बहुत पसंद है, तो मैं अचार ले लेती हूँ और फिर इसके बाद में खाना खाने हुए कपड़े धुलने के लिए रखे डले हुए मशीन में, कपड़े धुल जाएंगे, उनको सुखाना है। फिर सुखाने के बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब करके ही जाना। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको भी जरूर दबा देना, उससे मेरी वीडियो की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो प्लीज़ दबा दिया करो दोस्तों, और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो सब। हे गाइस, अभी हुआ है शाम का टाइम, तो शाम का समय हो जाता है खाना बनाने का। तो अभी आ गया है खाना बनाने का टाइम, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन का जरूर दबाना। अब मेरे बेटे का तो हो गया, बेल आइकन को जरूर दबाना। तो अब बस अब जाओ तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करूँ। क्यों, होमवर्क करो ना। मामा बोला है कि मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा खेलने दो। अच्छा ठीक है, जाओ खेल थोड़ा सा जाओ। अभी अभी इसकी मैम गई हैं यहाँ से, तो घर में आती हैं पढ़ाने, तो अभी भी गई हैं, तो बोली हैं कि थोड़ा सा खेलने देना, इसलिए बोल रहा है कि थोड़ा सा खेलने दे। तो बच्चों को खेलना भी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं खाना, और खाने में क्या बना रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए क्या बना रही हूँ आज कद्दू की सब्जी। तो कद्दू की सब्जी सिंपल तरीके से है, एकदम सिंपल है, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, प्याज, लहसुन और अदरक पिसा हुआ, और इसमें है मेथी, राई, जीरा और हींग तड़के के लिए, और ये टमाटर दो हैं कटे हुए, ये कद्दू है 250 ग्राम, और ये धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर इतना, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। तो इसमें पहले डाल देंगे तड़का, और इसके बाद में लहसुन डालेंगे, लहसुन डालने के बाद अदरक, प्याज, और सबको भून लेंगे अच्छी तरीके से। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो थोड़ी सी डाल देंगे इसमें। इसके बाद में डाल देंगे ये सारे मसाले, तो थोड़ी सी धनिया पाउडर,
और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ डाल के मिक्स करेंगे और आंच कम कर लेंगे और इसके बाद में डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसके बाद में डाल देंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और फिर कद्दू, क्योंकि कद्दू भून नहीं पाता है, पानी इसमें से मॉइस्चर निकालने लगता है तो भून नहीं पाता है इसलिए, और इसको ढक कर और मीडियम फ्लेम पर पकने दें। थोड़ी सी पानी डाल के पकाएंगे और मुझे थोड़ी देसी स्टाइल में बनाना है। तो सब्जी बनकर तैयार है, देखिए कितनी सुंदर टेस्टी टेस्टी दिख रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और अब डाल देंगे धनिया पत्ती, मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे लास्ट में कस्तूरी मेथी, इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ी ग्रेवी वाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रेवी वाली सब्जी बहुत पसंद है, तो हल्का सा ग्रेवी रहने दिए हैं और बाकी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ग्रेवी वाली सब्जी कद्दू की। और तो चलो अब हम बना देते हैं रोटी और दे देते हैं खाना सबको। और तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, तो बाय गाइस।